दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव सुरेश चंद्र शर्मा ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों ने नवनियुक्त कुलसचिव को बूके और पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाइयां दी, जिसके बाद उन्होंने कुलपति प्रोफेसर बीके सिंह से मुलाकात कर हालचाल लिया। नवनियुक्त कुलसचिव सुरेश चंद्र शर्मा मूलतः इलाहाबाद जसरा के रहने वाले हैं। सुरेश चंद्र का तबादला हाल ही में बस्ती से अंबेडकर नगर हुआ था, लेकिन 10 दिन में ही उन्हें गोरखपुर के कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1993 में श्री शर्मा सोनभद्र में बतौर नायब तहसीलदार से अपनी सेवाएं शुरू की। 2007 से 2011 तक वो गोरखपुर में बतौर तहसीलदार तैनात रहे। 2012 में पदोन्नत होकर फैजाबाद में SDM बने। इसके बाद सोनभद्र, कुंभ, महाराजगंज, बस्ती, इटावा सहित विभिन्न जिलों में सेवाएं दी। अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल बना रहे और किसी को कोई समस्या ना आए, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए नवनियुक्त कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा, काम जो असली हो गया असली हो गया, अब उसमें आप होते तो हो जाता है। मैं आज रजिस्ट्रार के पद पर ज्वाइन किया है। कहाँ से आए हैं? मैं अभी अम्बेडकर नगर जिले से आ रहा हूँ। किस पद पर कार्यरत थे? वहाँ उपजिलाधिकारी के पद पर वहाँ कार्य कर रहा हूँ। सर, कैसे देखते हैं इस पद को गोरखपुर विश्वविद्यालय में? कैसे? गोरखपुर विद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है और मैं अपने सौभाग्य समझता हूँ इस पद पर काम करने का मुझको मौका मिला है। बहुत अच्छा है, मैं भी यहाँ सीखूँगा कुछ। अभी इसके पद के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अब धीरे धीरे सीख लूँगा कैसे काम होता है, क्या क्या काम यहाँ करना पड़ता है। अब देखने जानने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी मुझको है नहीं। कुछ यहाँ के शिक्षकों या कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं? नहीं, अभी कुछ जानकारी नहीं, तो क्या अपील करें? बिना जानकारी के अपील करना ठीक नहीं है।